आज किसी बड़े की बड़ी चीज कुर्सी को देखकर लिहाज नहीं करना, किसी रिश्ते में आके उलझना नहीं है, ये भी देख लेना है। किसी रिश्ते में आके उलझेंगे हम सोचेंगे ओहो अपना है रिश्तेदार है, जो गलत कर रहा हो चाहे रिश्तेदार है, सबसे पहले उसको सजा देनी चाहिए। सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि तुम रिश्तेदार होके गलत क्यों कर रहे हो। इसलिए सुधर जाएंगे इंशाल्लाह, सब निजाम सुधरेगा जब हर एक को अपना हक मिलेगा। कौन सी बात, यहां ये उजड़े हुए इमारतें ये देखो, ये बनाई हुई थी तो दोबारा बसेंगे। कहते हैं जिस चूल्ही आग बुझे उसे बड़े भी है ना, बड़े कि नहीं बड़े नमदार साहब, तो लम्हा पाएगा थोड़ी बड़े। लम्हा पाएगा थोड़ी लकड़ी शकड़ी करनी पे काट से सियाल में सोचे सुतारांगा जरा पीछे कोट पीछे जंगल में चढ़ गए तो आग बढ़ती रहेगी बात ही ना बढ़ते। इस वास्ते बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ी आज कल मैं काउंटिंग में वहां रियासी नहीं गया था, इसलिए सब साथियों ने कहा कि नहीं आप रियासी भी नहीं गए, आज दरवाड़ी लोग वेट कर रहे हैं तो वो यहां पर आएंगे। मैंने कहा यहां पर सेलिब्रेशन करेंगे। हर जगह पर वही मैंने कहा जैसा निजाम पहले मीटिंग्स थी, अवनाश में मीटिंग होगी, अब ये डीडीसी कैंडिडेट्स बीडीसी के चेयरमैन और वहां के सरपंच के जो पंचायतों के नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेवारी, अपना करो सिस्टम। कमी जहां एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी आपको वहां देख मुझे बताइए कि यहां से हमें कमजोरी आई थी, कैसे कमजोरी आ सकती है। आज भी बहुत ताकत है आपके वजह से आप लोगों के पास। पंचायत राज का ये तीन टायर है ना, पंचायत राज के तीन टायर है, दो टायर तो मुकम्मल आपके पास है अभी तक तो नहीं है, इसलिए कहां से कुछ नहीं होता। अब आस्ता आस्ता बात करूंगा, इस वक्त सिर्फ खुशी की बात है इस वक्त ये नहीं, लेकिन एक चीज तय है कि इस जिला में वही होगा जो आप लोग चाहेंगे इंशाल्लाह। गरीब की बात होगी चाहे गरीब वहां पंथल का होगा चाहे बमाग का होगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा और दबाने के लिए आपको हम सब साथियों को इकट्ठे होकर खड़ा होगा। तंजीम पर किस तरह काम करना हम बैठेंगे बात करेंगे कैसे नहीं करेंगे कोई परवाह नहीं। यहां कैंठी की हालत, सड़क सबसे पहले सड़क वहां की होगी इंशाल्लाह, तो क्यों नहीं कोशिश करेंगे, सब चीजें होंगी, हर चीज बनेगी। और जोश और खरोश वैसे ही रखो, जब आदमी जंगे लड़ता है ना, क्या ये ग्राम सूर साहब जब जंग लड़ता है ना, जंग में तलवार खाता पिया अगले को भी मारता है, कभी ज्यादा जख्म हो जाता है कभी कम हो जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए खड़े होकर जंग लड़ो, आपने कामयाबी हासिल कर ली है, कामयाबी आपकी है, आप लोग हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कहूंगा हम सब एक, कोई फर्क नहीं, हम एक हैं, एक मिट्टी के हैं, एक हवा पीते हैं एक पानी पीते हैं, कोई फर्क नहीं। मगर मुर्गी के नीचे 21 दिन सारे अंडे रखे जाते हैं, गंदे अंडे मत निकलो, गंदे अंडे मत निकलो, कोशिश करो कि बच्चा निकले। एक ही मुर्गी के अंडे होते हैं, एक ही मुर्गी के नीचे होते हैं, लेकिन निकल जाते हैं गंदे दो से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बचो गंदे अंडे निकलो से। ये चीजें बहुत सी बातें सुनाएंगे, अब इस वक्त क्या बड़ी देर है, बांगड़ा झांगड़ा भी आपने मारना होगा बहुत इसलिए अल्लाह कामयाबी दे, फतेह दे, अपने आप को और अच्छा हो, बेहतर हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो।